नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा महोबिया। योगेंद्र साहू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्लास नंबर 3 है और आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल फीचर्स जो इसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। कैसे ये समझते हैं? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, क्लियर। और लागू कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को। और उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था एक प्रीएम्बल, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। अभी क्या चल रहा है? 2023। और अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीएम्बल तो एक ही है, लेकिन प्लस 3 वर्ड्स उसमें एड हुए हैं। 22 पार्ट्स अब 25 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, टेक्निकली अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं, लेकिन कुछ सब पार्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9AB, ये सारी चीजें जो है वो बाद में ऐड हुई है, ठीक है। टेक्निकली अभी भी आर्टिकल्स 395 ही हैं, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे सब आर्टिकल्स ऐड हो गए, जिसकी वजह से अभी 470 आर्टिकल्स तक पहुंच चुका है ये। और ये नंबर कोई रिजिड नंबर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है और अमेंडमेंट हो और फिर और ये नंबर बढ़ते चले जाएं या कम भी हो सकते हैं। और शेड्यूल्स जो हैं वो 8 से अब 12 हो चुके हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब इतने थे और अब ये इतने हो चुके हैं, मतलब ये समय के साथ और बढ़ता जा रहा है, ये और लेंथीएस्ट होता जा रहा है। क्यों क्यों ये इतना लेंदी होता जा रहा है? क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है? रीजन क्या है इसका? ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पता सबको है, लेकिन अपन को ये जानना है कि ऐसा क्यों है। दूसरी चीज ये समझिए, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर हम अमेरिका का देखें ना, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और बहुत ही शॉर्ट है। यूके का देखें तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो रिटन है, मतलब आप देखिए सबसे लेंथीएस्ट भी है और एक एक चीजें जो है वो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इलैबोरेट करके एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी गई है। देखते हैं क्यों, क्योंकि क्यों जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप इंडिया का प्यारा सा मैप देख रहे हैं। चलिए कि कोई भी एक मौसम ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि उस मौसम में उस टाइम पर ये जो अपना लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा हो, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही हो। लेकिन हो सकता है उसी टाइम पर अगर हम ये राजस्थान और ये गुजरात कच्छ साइड वाले जाएं तो इधर बिल्कुल पानी की एक बूंद ही ना, सूखा पड़ा हो। अब ये इधर साइड अगर हम जाएं साउथ में तो इधर ह्यूमिडिटी हो, बहुत ज्यादा उमस हो, और अगर हम इस साइड पर अगर जाएं तो बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो बिल्कुल बाढ़ वाली स्थिति हो। एक हमारा देश है, एक हमारा प्यारा भारत देश है, उसमें एक ही टाइम पर अलग अलग दिशाओं में इतना ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस है, ये बात तो आप मानते हो। अब एक चीज और देखिए, एक देश में 4 से 5 अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। क्या कोई ऐसा एक और देश बता सकते हैं जहां पर 4-5 रिलीजन के लोग इतना पीसफुली डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो? नहीं है ऐसा। कोई एक स्टेट लेते हैं, ये बिहार ले लेते हैं, ठीक है। बिहार एक स्टेट में 3 से 4 अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगधी। एक छोटा सा बिहार, ठीक है, छोटा मतलब नहीं, एक स्टेट इस पूरे भारत में एक स्टेट अगर हम बिहार ले तो यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं।
आप जिस स्टेट में रहते हैं ना, आप अपने बाजू वाले स्टेट के बारे में सोचिए, वहां का कल्चर आपके कल्चर से बहुत अलग होगा। सही है ये चीज। और प्लस इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, फूड कल्चर रिलीजन सब कुछ इतना अलग है। तो आप बताइए, हमारा देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सेकंड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे उनको पता था कि इनको अगर बोल बस दिया जाए ना कि आप ये करो और ये ना करो, तो इतनी डाइवर्सिटी में कोई एक दूसरे की बात नहीं मानने वाला है, कितना डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसलिए जरूरी था कि हर चीज को बिल्कुल लिख लिख कर बताया जाए कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। सबसे बड़ी वजह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की तो यही है, रीजन है इसका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हर चीज में, एक तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और दूसरा कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी। और एक एक चीज लिख लिख कर बताने की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया। दूसरा समझिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए क्या है, 50+ स्टेट्स आपस में आए मिलकर ये एक अपना कंट्री बनाते हैं। तो यूएसए का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पर जैसे कि ये पूरे भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या यूपी का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, क्या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, पूरा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, इन सब का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अपन को एक देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करना था। तो दूसरा तो सबसे बड़ा रीजन यही हो जाता है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का रीजन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बॉर ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत बार आपने सुना होगा जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कंप्लीटली कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब कि हर जगह से कॉपी कर करके यहाँ पर पेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। क्या सच है क्या ऐसा? क्या सच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? इसका जवाब ना हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। देखिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर्ड है, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये चीजें पूछ लिया जाता है। एक बार इसको देखते हैं, देन हम देखेंगे कि ये कॉपी पेस्ट है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ली गई है। ठीक है, आप जानते ही हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर आया एक्ट था। यहां से लिया गया है फेडरल स्कीम। और दूसरा याद रखिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर का जो ऑफिस जो होता है ना, ये कंसेप्ट जो है ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसकी जिसके अंडर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, एमरजेंसी प्रोविजन ये लिया गया है जीओआई 1935 से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए ब्रिटेन में होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब हमारा इंडिया जो है वो कम से कम 250 साल से तो हमारा वो ब्रिटेन का ही कॉलोनी बन के रहा है, गुलाम बन के रहा है, अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन कॉलोनी बन के रहा है ये। तो हमारे लिए ब्रिटेन से चीजों को एक्सेप्ट करना, मतलब उनसे इंस्पायर्ड होकर कोई चीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ज्यादा आसान था, क्योंकि हम यूज टू थे उसको फॉलो करने के। इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लिया गया, यूएसए के प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को नहीं लिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब जो बिल पास होने का जो प्रोसीजर है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो सिंगल सिटीजनशिप है, जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे सेंटर का, ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी। डीपीएसपी आप जानते हो, नहीं जानते हो तो हम पार्ट 4 में उसको पढ़ेंगे। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनमें जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये कंसेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया। जैसे कि आपको पता है ना, ये पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये जो राज्यसभा है इसके मेंबर्स का जो नॉमिनेशन है वो कंसेप्ट आयरलैंड से लिया गया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा उसका मेथड,
यूएसए से क्या लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज आपको याद रखना है, पहला तो है प्रियम्बल, प्रियम्बल यूएसए से इंस्पायर्ड है, और दूसरा आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट, ये दो ठीक है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाता है, और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस। अब देखिए प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाना, इसको बोला जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनेडा, कैनेडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं देखिए हमारे यहाँ पर दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ज्यादा पावर पार्लियामेंट के पास है, ज्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है, मतलब कि हमारा सेंटर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। ये कंसेप्ट कैनेडा से लिया गया है। सेकेंड है वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूअल पावर्स इन सेंटर। आपने शेड्यूल 7 तो पढ़ा है, हमने लेक्चर 2 में सारे शेड्यूल्स कवर किए हैं। तो जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाती है, इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें स्टेट लेजिस्लेचर, और इसमें यूनियन और स्टेट मतलब दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाते हैं। अब कभी तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा ना जो इसमें इन तीनों में नहीं दिया गया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में चला जाएगा, मतलब उस पर लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। इसलिए जो भी रेजिडरी पावर्स है जो किसी के पास नहीं है वो सेंटर के पास होगा। क्लियर? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वो काम करता है, ठीक है। तो जुडिशरी का जो एडवाइजरी पावर है वो भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये भी कनाडा से ही इंस्पायर्ड है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या होता है देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बीच, इन दोनों से ही बिल पास होकर जाना होता है, कभी कभी बिल अटक जाता है तो उस समय ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और अभी हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा ना जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पर, ये कंकरेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक चीज आपने पढ़ा होगा हमारे लेक्चर 1 प्रियम्बल में हमने पढ़ा था कि जस्टिस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये कंसेप्ट, ये आइडिया जस्टिस के जो ये 3 टाइप्स हैं ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर, मतलब आज के टाइम पर ये रसिया, रशियन इवोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन तो वहीं पर जाके अटक गया ना कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है क्या, कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना उसमें बहुत सारे तो बैरिस्टर्स थे, वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेकर आए थे। अभी अगर आप देखोगे हमारा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, इतने पढ़े लिखे लोग आपको नहीं मिलेंगे, उस टाइम पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे मैक्सिमम। देखो पढ़े लिखे तो उस टाइम पे सभी थे लेकिन मैक्सिमम उसमें लॉ ग्रेजुएट्स थे, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी स्टडी की है, 2 साल से ज्यादा का समय लगा है। उसके बाद हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको जो जो चीजें सही लगी उनको उन्होंने यहाँ पर लिया है, इंस्पायर्ड है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये फंडामेंटल राइट जो है अगर उसको यूएसए से इंस्पायर किया गया तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, नहीं, इंडिया के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं देन उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये इंस्पायर्ड है। अगर आपको किसी दूसरे में कुछ अच्छी क्वालिटीज मिलती है तो आप उन क्वालिटीज को अक्वायर करोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी नकल कर रहे हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट नहीं है, ये इंस्पायर्ड है। हमको जहां से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को जहां से जो जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने वहां से ले ली। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि
प्रियम्बल एक्चुअली में क्या है, जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर माने कि ये एक मूवी है, तो ये उस मूवी का ट्रेलर है। अगर आपको ट्रेलर समझ में आ गया, आप ट्रेलर देखकर मूवी समझ जाओगे कि ये किस चीज पर बेस्ड है। सेम वैसे ही अगर आप प्रियम्बल को समझ गए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पर अंदाजा लगा लोगे कि ये किस चीज पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब हमारा प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज को, ऑब्जेक्टिव्स को और बेसिक प्रिंसिपल्स को बताता है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कहाँ से लिया गया है ये? यूएसए से। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है? प्रियम्बल में 5 टर्म यूज किया गया ना, उसमें एक वर्ड डेमोक्रेसी भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करता है। ऐसा कंट्री, ऐसा नेशन को डेमोक्रेटिक नेशन बोला जाता है, जहां पर रूल जो होता है वो वहां के पीपल के थ्रू किया जाता है, मतलब सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट रेस्ट अपॉन द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सरकार चलाएगी वो जनता चलाएगी। कैसे? जनता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट में काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि हर इंसान को वोट देने का राइट तो है। वही जो जिनको वो वोट देते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव बाद में गवर्नमेंट में आते हैं। मतलब कि हर इंसान के पास, हर पीपल के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है। सबके पास फ्री फेयर जो है वोट देने का पावर है, और साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शंस का होना जरूरी है। और आप देखते हैं कि हर 5 साल में हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है। क्लियर? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ज्यादा झुका हुआ क्या बोले, मतलब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करता है, और ये बात प्रियम्बल में ही कह दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट से मतलब मान लीजिए आप हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा। जैसे कि अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। उसको उन्हें किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है। ठीक है, और ना ही वो मोनार्की के थ्रू आया, ना ही वो वंशवाद के थ्रू आया। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इलेक्शन जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जहां पर लोग डायरेक्ट वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? लोगों ने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रेसिडेंट चूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्लियर है? एमएलए और एमपी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। रिपब्लिक कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, ना कि नॉमिनेटेड हो, ना वो मोनार्की के थ्रू आया हो। बिल्कुल फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है, 5 साल उसका टर्म होता है। पीपल ऑफ द इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। ये आप समझ चुके हो, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमपी एमएलए वो उनको इलेक्ट करते हैं। तो ऐसी कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक कंट्री की ही बात करता है। ये रिपब्लिक टर्म जो है हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप। कैसे? देखिए दो तरीके से होता है सिंगल सिटीजनशिप। कैसे समझते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर ये अपना एक नेशन है, एक कंट्री है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप सिर्फ एक होता है। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ एक देश की नागरिकता होती है। क्या हमें अलग अलग स्टेट अपनी अपनी नागरिकता देता है? क्या आपके पास छत्तीसगढ़ की नागरिकता है? क्या आपके पास क्या बोल यूपी बिहार की नागरिकता है? नहीं, नागरिकता सिर्फ हमारे पास हमारे देश की है। यूटीज की भी नागरिकता नहीं होती है। क्लियर है? मतलब कि ये 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का सिटीजनशिप नहीं होता है, एक देश का सिटीजनशिप होता है। स्टेट्स का तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है हमारे पास। क्लियर? और दूसरा तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका क्या है? हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, इसका एक और मतलब ये है
एक अगर इंडिया का सिटीजनशिप है आपके पास, तो आप किसी और कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप लेते हो तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका कैंसिल हो जाता है। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सिटीजनशिप को पार्ट 2 में, ठीक है। अब जैसे कि ये कुछ कंट्रीज का मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ आप किसी और कंट्री का अगर सिटीजनशिप लेते हो तो ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड, इराक, ईरान, इसराइल, इटली, केनिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, फिलीपींस, ये कुछ कंट्री के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ये ड्यूअल सिटीजनशिप को परमिट करते हैं, लेकिन इंडिया परमिट नहीं करता। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया के साथ साथ किसी और देश के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि दो तरीके से, एक तो देश का एक ही सिटीजनशिप होगा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग सिटीजनशिप नहीं होगा, ये पहला तरीका है सिंगल सिटीजनशिप का। और दूसरा ये है कि इस देश के अलावा अगर आप किसी और देश का सिटीजनशिप लेंगे तो यहाँ का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला स्पेशल फीचर्स देखते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? देखिए, हमारा एक देश है, सबसे ऊपर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, और फिर अलग अलग स्टेट्स में है हमारे पास हाई कोर्ट, और फिर उस स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट। क्लियर है? अब ये हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है हाई कोर्ट को, ये हाई कोर्ट कंट्रोल करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को, कभी कभी ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि ये पूरा जो है एक साथ काम करता है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम अथॉरिटी रखता हो, नहीं। पूरे देश में सबसे बड़ा जो सुप्रीम अथॉरिटी जो रखता है वो सुप्रीम कोर्ट रखता है, और वो केवल एक ही है। स्टेट्स हाई कोर्ट रखता है लेकिन उसके ऊपर भी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ही रखता है, और ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके ऊपर अथॉरिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो इसको हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पर है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब एक बार देख लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कॉमन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्लियर है ये चीज? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्क्स एट एपेक्स लेवल, हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल एंड अदर कोर्ट्स वर्क एट हाई अंडर द हाई कोर्ट्स। तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, हमारे पास ना एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है कि जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंट रहेगी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। मतलब जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है या हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करेगा, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करेगी। और देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ना वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रखता है। कैसे, समझिए। अभी इजराइल में एक आंदोलन चल रहा है। एक्चुअली इजराइल का जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया है कि वहां का पार्लियामेंट अब जुडिशरी के जजमेंट को चेंज कर सकता है। जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, इजराइल की जनता, बहुत बड़ी मात्रा में जनता जो है वो सड़क पर आ गई कि इस एक्ट को वापस करो, क्योंकि जिस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती ना, जिस देश में जुडिशरी के पास पावर नहीं है, वहां डेमोक्रेसी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्लियर है ये चीज? इसीलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट बिना किसी भेदभाव के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल फीचर है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। ये चीज आप आर्टिकल 50 में देख लोगे। आगे बढ़ते हैं, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से लेकर शेड्यूल तक सब कुछ, अगर आप कोई भी वर्ड हटाते हो, ऐड करते हो, उसको रिप्लेस करते हो, कोई भी चेंज करते हो, तो उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। ठीक है? अब देखिए, अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 20, आर्टिकल 368 में दिया गया है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना आसान है या मुश्किल है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है बिल्कुल, इसमें कुछ बदलाव किया ही नहीं जा सकता, या फिर ये फ्लेक्सिबल है? क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरीके से रिजिड है कि इसको बिल्कुल बदला ही ना जा सके कुछ भी हो जाए, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि हर दिन एक नया अमेंडमेंट लाइए और पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल बदल के रख दीजिए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का एक्चुअली में ये मिक्सचर है। मतलब कि ना तो ये ब्रिटेन की तरह इजी है इसको अमेंडमेंट करना और ना ही यूएसए की तरह डिफिकल्ट है इसको चेंज करना। आर्टिकल 368 जो है ना, उसमें दो तरीका बताया गया है। देखिए कौन सा है, दो तरीका देखते हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जब 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होते हैं प्लस जो वोट करते हैं, वो 2/3 जब मेजोरिटी मिलती है, इसी को बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी, तब जाकर जो है अमेंडमेंट होता है। ये तो है पहला तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। देखिए लोकसभा में तो पास हो जाता है, राज्यसभा में अटक जाते हैं अच्छा अच्छा बिल। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, इससे 2/3 मेजोरिटी तो मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ स्टेट का 50% स्टेट का भी अपन को अप्रूवल मिलना चाहिए, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो आर्टिकल 368 में दो तरीके बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के। इन दो तरीकों के अलावा एक सिंपल तरीका भी होता है, एक सिंपल मेथड भी होता है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50% प्लस। अब बात यह आती कि मैम कौन सा तरीका, कौन से आर्टिकल को चेंज करने में यूज किया जाएगा? तो ये सारी चीजें देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, अभी हम अमेंडमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। तो कब हम स्पेशल सिंपल मेजोरिटी का यूज करेंगे, कब हम ये आर्टिकल 368 के फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे और कब सेकंड मेथड का यूज करेंगे, ये हम आर्टिकल 368 जब पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये मिक्सचर है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ पर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है हमारे यहाँ पर? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट सही तरीके से लॉ बना रहा है या नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर सही लॉ बनाया है या नहीं बनाया है, ये गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, मतलब कि लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये काम, ये देखना किसका काम है, इस पर रिव्यू करना किसका काम होता है? कोर्ट का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए, इट्स अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जज रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ डिसीजन और एक्शन मेड बाय पब्लिक बॉडी। मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट तो नहीं कर रहा है, उसको देखना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक है, और ये पावर किसके पास है? ये तो हाई कोर्ट के पास है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तीन आर्टिकल है, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल में आपको जुडिशियल रिव्यू समझ में आएगा, अभी यहाँ पर आप तीन आर्टिकल का ध्यान रखिए। आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में क्या होता है, क्या बताया गया है कि कोर्ट के पास ये पावर है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 13 का यूज करके उस सेक्शन को हटा दे, उस आर्टिकल को, उस एक्ट को वो वॉइड कर सकता है। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, ये आर्टिकल 13 में बताया गया है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, देखिए हमारे पास पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अगर कोई भी आपसे आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है तो
तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें है ना जुडिशियल रिव्यू के अंदर में ही आता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल में हम समझ चुके हैं सेक्युलर कंट्री की बात कही गई है। सेक्युलर कंट्री मतलब एक ऐसी कंट्री जिसका खुद का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन वहां रहने वाले लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। एक दूसरे का रिलीजन भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करे ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंट्री जो है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, ना वो किसी रिलीजन के बहुत क्लोज होगी, और ना वो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी करती है। तो ऐसी कंट्री को बोला जाता है सेक्युलर कंट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म पर ही बेस्ड है। आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया एक बार अपन देख लेते हैं। द सिटीजन ऑफ आर कंट्री आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एंड दे एंजॉय इक्वल राइट्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन कास्ट क्रीड रिलीजन और सेक्स। मतलब कि क्या बोला गया है, कंट्री का कोई भी नागरिक अपने हिसाब से कोई भी रिलीजन फॉलो करेगा, और देश जो है ना वो भेदभाव नहीं करेगा कास्ट रिलीजन और सेक्स के बेस्ड पर, क्लियर है ये चीजें। और बाकी आर्टिकल 25 to 28 में ये भी बताया जाएगा कि अगर धार्मिक प्रचार प्रसार में कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और डोनेशन जो होगा वो टैक्स फ्री होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखिए बहुत आसान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश का नागरिक हो, उसकी उम्र जो है, उसका एज जो है 18+ हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, उसके पास वोट देने का अधिकार है, सबके पास इक्वल वोट देने का अधिकार है। वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, एज 18+ होना चाहिए, यहाँ का सिटीजन होना चाहिए, और ये चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी जेंडर का हो वो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, कहीं भी उसका प्लेस ऑफ बर्थ हो, इंडिया में उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके पास इक्वल अथॉरिटी है वोट देने की, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ऑल मेन एंड वुमेन प्लस ट्रांसजेंडर इंजॉय एन इक्वल राइट टू वोट, ओके, अबव द एज ऑफ 18 ईयर हैज राइट टू वोट, क्लियर है ये चीज। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर्स, इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगी, इसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, इसके पास क्या क्या पावर होगा, कितना टाइम इसका सर्विस रहेगा, ये सब की बात जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमरजेंसी प्रोविजन। एमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर क्लियर है। कभी कभी एक ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जब पावर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। बहुत डिटेल में इसको हम आर्टिकल 356 में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल बेसिक देखिए, जैसे कि वॉर वॉर का हो जाए या एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब ये है कि किसी देश के साथ बिल्कुल युद्ध का अगर घोषणा हो जाता है, डिक्लेरेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे वॉर। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई, जैसे कि एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं पाकिस्तान, अचानक से वो कोई मिसाइल वगैरह दाग दिए, या चाइना से अगर आ गया तो एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये है हमारे देश में रहने वाले लोग जो हैं इकट्ठा हुए कुछ लोग, और बिल्कुल तलवार बंदूक पकड़ के एक दूसरे को मारने काटने लग गए। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट से पावर जो है वो सीधा यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है, सीधा पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन और उस कंडीशन में हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन याद रखना आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये किसी भी कीमत पर नहीं छीना जा सकता इस देश के लोगों से,
क्लियर। और बहुत डिटेल में तो अभी हम उसको देखेंगे ये आर्टिकल 356 में। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो सबसे क्या बोलना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये बहुत जरूरी है देश को बनाए रखने के लिए। तीसरा है हमारे नेक्स्ट है हमारे पास थ्री टीयर गवर्नमेंट। ये थ्री टीयर गवर्नमेंट क्या होता है? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो है ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक होता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। जैसे कि अगर हम गांव की बात करें तो वहां पर होता है पंचायत, अगर हम शहरों की बात करें, अर्बन की बात करें, तो वहां पर होता है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, स्टार्टिंग में ये लोकल गवर्नमेंट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको 1992 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। देखिए, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत एक नया चैप्टर ऐड किया गया पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में, और 74th अमेंडमेंट 1992 को म्यूनिसिपैलिटीज एक नया चैप्टर ऐड किया गया पार्ट 9A, और यहाँ पर लोकल बॉडीज को है एस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में कहाँ पे पढ़ना है? पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51। क्या होता है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम एक साथ बोलेंगे स्टेट्स। बाद में पढ़ेंगे स्टेट्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कानून बनाते समय, आपको पॉलिसी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। देखिए, ये चाहिए की बात कर रहे हैं, करना ही है की बात नहीं कर रहे। तो आपको क्या क्या करना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इन दोनों स्टेट्स को, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकिंग या लॉ मेकिंग के टाइम पर। द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टिंग लॉज फॉर द कंट्री। तो इसी चीज को बताया गया है हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। डिटेल में हम इसको पढ़ना है पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ये क्या होते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट्स? यूनियन ऑफ द स्टेट देखिए, एक तो है यूएसए। यूएसए में हमने देखा कि 50+ स्टेट जो है वो आपस में आए और मिलकर फिर जो है वो एक अपना नेशन बना लिए। और ये जो 50+ है, अगर इनका मन करता है ना कभी कि अब हम साथ में नहीं रहते, किसी एक को अगर मन किया कि चलो छोड़ के चले जाओ यूएसए को, वो जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सारा मिलकर बनाते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट। क्लियर है? अब ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, इनके पास ये फ्रीडम ही नहीं है। किसी भी स्टेट के पास आप देखते रहते हो, कभी कभी कश्मीर में, कभी कभी पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वो अलग अलग कंट्री मांगते रहते हैं। तो हमारा हमारा जो देश है ना वो यूनियन ऑफ द स्टेट है। ये चाहे ना तब भी अलग नहीं हो सकते, ये एक ही रहेंगे, इनको इंडिया के साथ ही रहना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करता है आर्टिकल 1 में, दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो आर्टिकल हमारे किस चीज से मिलता हुआ है? ये हमारे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता हुआ है। मतलब क्या है, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो किस हद तक अमेंडमेंट कर सकते हैं? क्या अमेंडमेंट करते 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 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लें? क्या ये पॉसिबल सॉरी क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइन किया गया है और ना ही जुडिशरी ने कहीं पर इसको डिफाइन किया है। टाइम टू टाइम, केस टू केस जो है जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, और बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेक्युलर वर्ड को ही नहीं हटा सकते, हम सोवरेन कंट्री है उसी को नहीं हटा सकते। ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक,
नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना सोल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इतना जो अलग है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स को नहीं दिए गए हैं, सिटीजन्स के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, यहाँ पर हो सकता है रिफ्यूजीज बन के आए हो, माइग्रेंट हो, उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कहाँ पर? पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। देखिए 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे, एक हट चुका है, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब कैसे कैसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा डिटेल में बताएगा आर्टिकल 14 टू 18 में। सबके पास आजादी है, आजादी रहने में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आर्टिकल 19 टू 22। एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा आर्टिकल 23 24। अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, मतलब एक सेक्युलर फीचर को बताएगा आर्टिकल 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 25 से 30 में बताएगा, और साथ ही साथ लास्ट में बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। मतलब कि देखिए हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी लेता है इस चीज की कि आपसे कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीनेगा। लेकिन छीन लिया तो क्या करें? अगर कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया तो क्या करें? तो देखिए ये जस्टिशिएबल है, जस्टिफाइबल है। अगर आपसे आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन लेना, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर, आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के अंडर में, और आप मांग सकते हो आपका छीना हुआ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अब जैसे कि ये राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ये हम फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर है? और इस फंडामेंटल राइट को सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी लेता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो है फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं ये। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको एक बार लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, वीडियो आपको पसंद नहीं आया है, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस एप्लीकेशन योगिन साहू एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ आप CGPSC और CG व्यापम के कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।